Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. So the Vivo V9 brought us the first popular all-screen smartphone in 2018, but this device was hardly perfect. The Vivo V9 had a white notch at the top of the display, but now smartphone makers started coming up with new design of their own to increase the size of the screen. Vivo धीरे-धीरे काफी सारे ऐसे कमाल की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है जो Vivo ने खुद उसकी स्मार्टफोन पे इम्प्लीमेंट किया है और ये काफी पॉपुलर भी हुआ है, जो स्मार्टफोन में काफी सारे रिवोल्यूशन लेके आया है। और अभी स्मार्टफोन डिस्प्ले में काफी सारे डिजाइन चेंजेस देखने को मिल रहा है और इसके साथ स्मार्टफोन कंपनियां नया नया टेक्नोलॉजी को भी ऑलरेडी शोकेस किया है जो एक ट्रू ऑल स्क्रीन डिस्प्ले प्रोवाइड करने में कैपेबल है। Previously, we saw all-screen phones with pop-up cameras, slider mechanism, as well as device with front and rear display, so a selfie camera wasn't necessary. और Vivo धीरे-धीरे ये सभी फीचर्स उसकी बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपको एक ट्रू ऑल-स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी कम कीमत की बजट फोन पे, जो Vivo की तरफ से एक बेहतरीन स्टेप है। According to a new report, the Vivo V21 पे आपको एक पंचोल डिस्प्ले मिलेगा, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, और ये पंचोल डिस्प्ले के अंदर आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो AI टेक्नोलॉजी के साथ आपको काफी बेहतर फोटो देगा और ये बेसिकली लो लाइट में भी काफी फोटो इंप्रूवमेंट किया जाएगा जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। आप अगर जानते हैं Vivo पेरेंट्स कंपनी ऑलरेडी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है जो अभी ऑफिशियली मार्केट पे लॉन्च नहीं किया है, बहुत ही जल्दी प्रीमियम कैटेगरी स्मार्टफोन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद ये बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा। Vivo V21 सीरीज में आपको एक 5G वर्जन भी देखने को मिलेगा और इसके साथ में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की 5G चिपसेट मिलेगा जो ये फोन पे आपको 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और ये 5G स्मार्टफोन शायद Vivo V21 Pro मॉडल के साथ में मिलेगा और इसके साथ में आपको ये फोन पे और भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा जो आपको काफी बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। Vivo V21 4GB RAM with 64GB internal storage, 6GB RAM with 64GB internal storage and 6GB RAM with 128GB internal storage के साथ में देख पाएंगे। Vivo V21 पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ और भी 3 डिफरेंट कैमरा सेंसर्स मिलेगा जो आपको क्वालिटी के हिसाब से आपको बेहतर फोटो देगा। अगर ये फोन को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।